ओम शांति। 20 अप्रैल के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न: पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर: वे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। आज का गीत है ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले अर्थात सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ये नर्क है वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, ये बुद्धि में समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र हैं। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए। अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात
चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं, ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में महाभारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस, सत्युग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया है। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं, बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी, तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है, डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच, इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतोप्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, दो चीज तो है ना, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी सी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं।
ये बहुत ही सहज ते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये है रथ, तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सत्युग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का। नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सत्युग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं हैं, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्मा की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, खीर खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है,
बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही ये। अंधों की लाठी बनना है, प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नर्क है वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा, कृष्ण उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया है कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। स्पष्टीकरण, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो, ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजय होगी। ओम शांति।